गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डिस्कस कर लिया था। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। डेटा मॉडल इज अ लॉजिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंटिटीज कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन दैम एंड द रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट्स। आर डीबी लैंग्वेज इज अ concrete syntax for our data model. A DB implements a data model. A core object oriented data model consists of following basic object oriented concept. तो ये एक object like ER diagram, ये भी एक object oriented database model होता है। मैंने आपको बताया था कि entities और relationship को show करने के लिए model लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, draw किए जाते हैं। नाउ इसकी जो बेसिक एंटिटीज़ हैं या बेसिक जो इसमें कंसिस्ट करता है ये फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वो है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। कि ऑब्जेक्ट क्या है? एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी इज़ यूनिफॉर्मली मॉडल्ड एज एन ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद अ यूनिक आईडी यूज्ड टू पिन पॉइंट एन ऑब्जेक्ट टू रिट्रीव। ठीक है, रिट्रीव करने के लिए एक यूनिक आईडी बनाई जाती है। सेकेंड है एट्रीब्यूट्स एंड मैथड। Every object has a state, the set of values for which operate on for the attribute of the object. ठीक है, तो object के attribute की नहीं होती है। A behavioral set of method, program code which operate on the state of the object. The state and behavior encapsulated in an object are accessed or invoked from outside the object only through explicit message passing. ओके, तो ये इस तरह से हो जाता है। सेकेंड थर्ड है क्लास, अ मीन्स ऑफ ग्रुपिंग ऑल द ऑब्जेक्ट विच शेयर द सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मैथड्स। एन ऑब्जेक्ट मस्ट बिलोंग टू ओनली वन क्लास एज इन इंस्टेंसेस ऑफ दैट क्लास। ठीक है, अ क्लास इज सिमिलर टू एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अ क्लास में ऑल्सो बी प्रिमिटिव नो एट्रीब्यूट्स, एग्जाम्पल इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपकी क्लास हायरार्की एंड इनहेरिटेंस। इसमें ये होता है कि जो न्यू क्लास बनती है उसके अंदर जो एग्जिस्टेड क्लासेज हैं, जो उनकी सारे फीचर्स, प्रॉपर्टीज़ और एंटिटीज़, एट्रीब्यूट, वैल्यूज़ को एक्सेस करने की एबिलिटी। तो ड्राइव अ न्यू क्लास, सब क्लास फ्रॉम एंड पेरेंट एग्जिस्टिंग क्लास, सुपर क्लास। द सुपर सब क्लास इनहेरिट ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड एग्जिस्टिंग क्लास द एंड में हैव एडिशनल एट्रीब्यूट एंड मैथड। और क्या हो सकते हैं? एडिशनल मैथड और एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो ठीक है, तो आपके ये यहाँ तक ही कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोल्स इन डेटाबेस एनवायरनमेंट, जो आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। नाउ दिस सेक्शन विल एक्सप्लेन द पीपल इन्वॉल्व इन डेटाबेस एनवायरनमेंट। बेसिकली देर आर फोर टाइप्स ऑफ पीपल दैट आर इन्वॉल्व इन द डेटाबेस मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, दैट आर डेटा एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, डेटाबेस डिज़ाइनर, एप्लीकेशन डेवलपर्स एंड यूजर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैम इन डिटेल। की डिटेल में हम इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डेटा मैंने आपको बताया था, जो डेटा जिसको मैनेज किया कर रहे हैं या मैनेज हम जिसका प्रोसेस कर रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग। और डेटा एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है? जो उसको मैनेज करने वाला होता है, द पर्सन हु मैनेज द डेटा रिसोर्सेज इन डेटाबेस एनवायरनमेंट कॉल्ड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। विदाउट द परमिशन ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन वी कैन नॉट प्रोसीड एनी काइंड ऑफ प्रोसेस इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ दीज इंक्लूड्स डेटाबेस प्लानिंग, development and maintenance of standards, policies and procedures and conceptual logical database design where they work together with the senior managers. In other words, some of their roles are as follows. तो कुछ फॉलो क्या रोल ऐसे होता है, तो प्रोडक्शन करता है ये प्रोप्राइटरी, ठीक है, प्रोप्राइटर होता है ये।
एंड ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज एंड डेटाबेस ऑन डाइवर्स प्लेटफॉर्म्स दैट मस्ट बी मैनेज साइमल्टेनियसली ऑर्गेनाइजेशन रैपिड ग्रोथ इन साइज ऑफ डेटाबेस द एक्सपेंशन ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायर लिंकिंग कॉरपोरेट टू द इंटरनेट. ठीक है, इसके बाद है आपके डेटाबेस डिज़ाइनर. ये जो डिज़ाइन होता है डेटाबेस पूरा, वो भी इसके थ्रू ही वो इसको करता है. एप्लीकेशन डेवलप होना, यानी जितनी भी एप्लीकेशन डेवलप होती है, और एंड यूज़र, ये भी जो यूज़र से जो भी कनेक्शन होता है, जैसे कि देखिए द एंड यूज़र आर कस्टमर्स फॉर द डेटाबेस दैट हैव बीन डिज़ाइन टू सर्व द इंफॉर्मेशन नीड्स. इन अदर वर्ड्स एंड यूजर्स आर पीपल हुज जॉब रिक्वायर एक्सेस टू डेटाबेस क्वेरिंग एंड अपडेटिंग जनरेटिंग और इस तरह से. तो ये है थोड़ा सा और है. अब आप इसको, यूज़र्स होते हैं दो तरह के, सोफिस्टिकेटेड और स्टैंड अलोन. तो ये दीज इंक्लूड इंजीनियर साइंटिस्ट बिजनेस एनालिस्ट एंड अदर फैमिलीज टू इम्प्लीमेंट देयर एप्लीकेशन टू मीट देयर कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट. तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट हो गया ये आपका चैप्टर. ये कुछ इसके की पॉइंट्स हैं, ये भी आप देख लेना. इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग इसको करिए, और जो क्वेश्चन के आंसर, जिन क्वेश्चनों के आंसर वर्कशीट में कंप्लीट नहीं हो पाते, यानी स्पेस कम पड़ता है, तो आप उन आंसर्स के लिए न्यू पेजेस लीजिए और उनको उन पेजेस को लीजिए, और उसमें उसके जो रिमेनिंग आंसर से जितने वर्कशीट में आ जाए उतना वहाँ लिखिए, उसके बाद जो बच जाए उस आंसर्स को उन पेजेस में पीस ऑफ पेपर्स के अंदर आप अपना लिखें उसको, राइट देन पेस्ट देयर. ठीक है, वहाँ उसको पेस्ट कर दें. इस तरह से आपका चैप्टर 5th कम्प्लीट है. अब तक हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, 1st, 2nd, and 5th. एंड यू मस्ट डू ऑल द आंसर्स. ठीक है, और वर्कशीट्स कंप्लीट करनी है आपको, और मुझे चेक करवानी है स्कूल के अंदर. ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने 1st और 2nd चैप्टर के वर्कशीट चेक करवा दिए. जिन स्टूडेंट्स ने नहीं चेक करवाई, नेक्स्ट वीडियो में उसके मैं नेम अनाउंस कर दूंगा. तो इसलिए ही जब भी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले तक आप लोग वो चेक करवा दें, नहीं मैं आपकी वीडियो में नेम लूँगा कि किस किस बच्चों ने वो चेक नहीं करवाया. तो ये देखिए पूरे क्वेश्चन आंसर हैं, इनमें जिनके आंसर्स इसमें आ जाते हैं वर्कशीट में वो तो यहाँ लिख लीजिए, और जो नहीं आते उनके पेजेस के अंदर आप लिखिए. और मैं इसकी असाइनमेंट सेंड नहीं करूँगा 8th क्लास. अब 8th क्लास में आ गए, खुद से कीजिए. 2 चैप्टर्स के कर दिए असाइनमेंट, इसका आप खुद से करेंगे. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आई होप सबके समझ में आया होगा. जिन बच्चों के समझ में नहीं आया वो वीडियो को अगेन देखें, अगेन वॉच करें इसको, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप जो भी डे आपको अलॉट किया गया उस दिन आप स्कूल आ सकते हैं, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. लेकिन आप पहले अपनी वीडियो को देखेंगे. ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं देखी है और उसके वॉच नहीं की है उसके बावजूद भी आप मुझसे आके पूछते हैं कि समय तुम्हें तो पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आया, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में भी आता है, और पूरा से चैप्टर समझ में नहीं आना ये तो एक्सेप्टेबल बात नहीं है कि आपने वीडियो देखी, 2 बार वीडियो देखी, उसके बाद भी आपको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आया. कोई क्वेरी हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.